वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं मावा। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं मावा। तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ राघव गुप्ता। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हमारे मावा बनाने की रेसिपी की तरफ। मैंने ले लिया है 2 किलो दूध और इसका मैं बनाने वाली हूँ मावा। तो मावा कैसे बनाते हैं ये विधि मैं आपको बताने के लिए चलती हूँ। एक गैस पे बैठाती हूँ एक कढ़ाई। दूध को जो है गैस पे चढ़ा दिया। अब हम इसको करेंगे गैस को ऑन और इसको जो है बनाएंगे मावा। इसमें पहली बॉईल जो आ चुकी है कढ़ाई में, तो टाइम पे हमें इसको चलाते रहना है और साइड के जो दूध है उनको जो है ऐसे निकालते रहना है। तो इसी तरह चलाते रहिए, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो दूध गिरने का भी डर है अगर ध्यान नहीं देंगे तो। और दूसरा ये है कि जल भी सकता है। आप देख सकते हैं रबड़ी जैसा हो गया है कंसिस्टेंसी जो इसकी है। और इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा और ये जो है बहुत ही अच्छा मावा बन के रेडी होना। ये देखिए रबड़ी टाइप में हो चुका है। मैं आपको और क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये देखिए गाढ़ा होने लगा है हमारा दूध और ये बहुत ही कम मात्रा में। जब दूध बैठाया था तब उसकी मात्रा जो है यहाँ तक थी, ठीक है। और अभी देख सकते हैं आप इस स्टेज पे आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको जो है इसे चलाते रहना है। आप देख सकते हो क्योंकि अगर आपकी कढ़ाई में लग सकता है, इसीलिए इस टाइम पे हमें चलाते रहना है। आप देख सकते हैं तो आप इसको मैं ऐसे ही जो है चलाते रहिए ताकि कहीं से भी लगे ना। और ये साइड साइड से ऐसे जो है करते रहिए क्योंकि मावा जो है ज़्यादातर चिपक जाता है। आप चाहें तो इसमें भगोना में भी आप कर सकते हैं लेकिन मैंने कढ़ाई में किया है। बस ध्यान ये रखिएगा कि थोड़ा सा जो है दूध के अपेक्षा जो है जो बर्तन आप यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा जो है बड़ा हो, मतलब तली उसकी बड़ी हो। आप देख सकते हैं मैंने कितनी बड़ी कढ़ाई यूज की है। आपको तो बहुत ही टेस्टी रबड़ी रेडी हो चुकी है और सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे और ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। उससे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये है पहचान की मावा होने लगा है। और ये जो है आपको जैसे रखना है, अगर आपको थोड़ा गीला रखना है तो आप गीला रख सकते हैं। मुझे सूखा चाहिए तो इसलिए मैं थोड़ा सा और इसको कर देती हूँ। और ये देख सकते हैं बिल्कुल कढ़ाई छोड़ रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल हट जा रहा है। यही है इसकी पहचान की मावा जो है ये रेडी हो गई है। आप इसको ठंडा करके इसकी स्वीट्स बना सकते, मिठाई बनाना है मिठाई बना सकते हैं। और ये गाइस इतना प्योर मावा। अभी क्या है कि होली का सीज़न चल रहा है दोस्तों, तो होली में क्या होता है कि आप आए दिन अब न्यूज़ में देखोगे कि यहाँ पे लोग जो है नकली मावा बेचते हैं और तो उसमें मिलावट करते हैं। मिलावट में इसमें जो है देखिए ये हमारा बिल्कुल मावा रेडी हो चुका है। तो मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में और हम जो कढ़ाई जिसमें बनाए थे ना उसको भी हमें वेस्ट नहीं करना क्योंकि वो जो है लगे होते हैं। तो हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 चम्मच सूजी और हम उसी कढ़ाई में जिसमें बहुत सारे मावा लगे हैं उसमें हम इसको डाल देंगे। ये मैंने रोस्ट कर लिया था सूजी को पहले से ही, ठीक है। तो मैंने इसमें डाल दी है सूजी, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, मैंने 2 चम्मच ही डाला है ताकि ये वेस्टेज जितने भी मलाई आपको दिख रहे हैं मावा दिख रहे हैं लगे हुए वो जो है इसमें आ जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच शुगर और इनको हम करते हैं मिक्स, देख सकते हो। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो ये मैंने पानी डाल दिया आवश्यकता अनुसार जितना है। अब इसको आप क्या करना है, जितने भी मलाई लगे ना उस पर ऐसे आप करके लेके जाइए इस पानी को, ठीक है। और ऐसे इस मावे को जो है निकाल लीजिए, देख सकते हैं निकल रहा है। तो सारा मावा जो है इस हलवा में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कढ़ाई को जो है क्लीन कर लिया है और सारा मावा जो लगा हुआ था वो जो है मैंने निकाल लिया है और वो सारे जो है आ गए हैं इस हलवा में। अब ये बहुत ही टेस्टी एक और जी है हलवा रेडी हो जाएगा और आप किसी को भी दे सकते हैं, बच्चों को सर्व कर सकते हैं। बच्चे बहुत आराम से खा जाने वाले हैं, नहीं तो हम बगल भी खा सकते हैं। हलवा किसको नहीं पसंद आता, हलवा का तो देख के मुँह में पानी ऐसे ही आ जाता है। हमने इसमें घी ऐड नहीं किया था इसीलिए मैं जो है अब इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। इस हलवे में फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़े से इलायची पाउडर। और इस हलवे के लिए हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मावा जो था उसमें घी निकलता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा टेस्टी जो है हलवा बन के रेडी हो चुका है और ये हमारे कढ़ाई का सारा मावा जो है इसके अंदर भी आ चुका है। तो इसी तरह आप चीज़ों को वेस्टेज मत कीजिए, आराम से जो है चीज़ों को यूज करिए क्योंकि हम सबको चाहिए कि कोई भी चीज़ अनाज जो है वेस्ट ना हो। तो इस हलवे में मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स
बहुत थोड़ा सा मैंने डाला है, बहुत। देखिए गाइज, मैंने बिना झंझट के जो है आपको बता दिया है मावा कैसे बनाते हैं। मिलावटी मावा से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप दूध लीजिए और खुद ही इसी आसान तरीके से जो है आप बना सकते हैं। आप चाहे तो किचन में सब्जी बना रहे या कोई और काम कर रहे हैं उसके साथ साथ ये मावा बना सकते हैं। और ये मैंने देखिए टेस्टी इंटरेस्टिंग जो है बहुत ही अच्छा हलवा बना दिया है ना। तो जिस बर्तन में आप जो है मावा बना रहे थे उस मावा को भी मैंने वेस्ट नहीं होने दिया है और उसी में मैंने सूजी का मावा हलवा बना के रेडी किया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है, आप देख सकते हैं हलवे का भी। तो एंजॉय कीजिए, खाइए, और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो शेयर करूँ तो आप लोग को मिले सबसे पहले। तो थैंक यू सो मच।